राहुल गांधी लगातार आरएसएस पर वार करते रहते हैं और सदन से लेकर सड़क तक पर निशाने पर आरएसएस को रखते हैं। अब बारी आरएसएस के जवाब देने की है। आरएसएस ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष आलोचना के लिए बार बार आरएसएस को निशाना बनाते हैं और संघ उनके लिए पंचिंग बैग की तरह है। आरएसएस के सुरेश भैयाजी जोशी ने राहुल के लोकसभा के भाषण पर संघ की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस लोगों पर अपनी विचारधारा थोप रहा है, उनके लिए संघ जैसा संगठन कुछ और नहीं पंचिंग बैग है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में जेएनयू का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि कन्हैया ने देश विरोधी नारे नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि किसी ने नारे लगाए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। करीब 35 मिनट के भाषण में राहुल गांधी के भाषण के दौरान टोकाटाकी भी हुई। राहुल गांधी ने उनका जवाब देते हुए कहा, हम आरएसएस के लोग नहीं हैं, आरएसएस की तरह हम सब कुछ नहीं जानते, हम लोगों से बात करके सीखते हैं। वीर सावरकर का जिक्र करने पर सदन में हंगामा भी हुआ। इस पर राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से पूछा कि क्या उन्होंने सावरकर को छोड़ दिया, यदि हाँ तो अच्छा फैसला नहीं है। लेकिन अब राहुल के इस बयान पर अब आरएसएस के जवाब से साफ है कि भले ही आरएसएस राहुल के लिए पंचिंग बैग जैसा हो, लेकिन जवाब देकर बता दिया है कि वार बराबर होता रहेगा।